महिला विकास मंच ने पार्टी बनाने का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आइए जानते हैं क्या कहा महिला विकास मंच की नारियों ने। औरतें उतनी एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी उनके हाथ में वो पोस्ट नहीं आती है, तो इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, ये वहाँ होता है जहाँ हम जैसी महिलाएं नहीं होती हैं। हम जैसी महिलाएं जहाँ हैं वहाँ, तो आप जैसी महिलाएं कहाँ से लाएं, सशक्त कैसे कर सकता हूँ? आ रहे हैं ना, तो जहाँ बेचारे पुरुष को करना है वहाँ महिलाएं कैसी हैं वो आप जान रहे हैं। बिल्कुल घरेलू महिला, डरी दबली कुचली, चूंकि महिला का वहाँ स्थान है इसलिए आगे चेहरा दिखा के। मैम, आप उन घरेलू महिला और जो दबी हुई महिला है उनको कैसे ऊपर लाएंगी, उनके लिए आप क्या करें? आ रहे हैं अभी हमारे पूरे बिहार में, अभी टेकारी में हमारी टीम गठन है, गोपालगंज पूरे बिहार में इतने चंद सालों में हमने लाखों महिलाओं को सशक्त किया है, पूरे बिहार से नहीं पूरे देश से। महिला विकास मंच आपके बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में है, प्लस उत्तर प्रदेश में चला गया, चार स्टेट को बिहार से कंट्रोल कर रही है मात्र ये चार चेहरे, तो ये कम बड़ी बात है क्या? चार स्टेट को, एक विधायक एक एरिया को कवर करता है, हम चार स्टेट कवर कर रहे हैं, तो संगठन चलाने की ताकत है तभी तो कर रहे हैं ना बाबू, ऐसे कैसे करेंगे? हाँ, तो वही, और औरतों को कैसे सशक्त कीजिएगा, उनके लिए क्या प्लान है? देखिए, महिला विकास मंच के माध्यम से औरतें जुड़ते जाएंगी और सशक्त होते जाएंगी और महिला विकास मंच के माध्यम से औरतों के लिए काम भी करेंगी और साथ में औरतों को इंसाफ भी दिलाएंगी। अच्छा, और आपने ये रेप पे लॉ की बात की, तो कोई लॉ अगर बनता है तो वहाँ यहाँ पे इंडिया में स्पेशली मिसयूज पहले होता है, यूज बाद में होता है, तो आप कैसा लॉ चाहती हैं जिसका मिसयूज कम हो और यूज़ ज़्यादा? देखिए, अभी मैंने जो हमारी मुख्य संरक्षक बता रही हैं, हम इसलिए तालिबानी चाहते हैं क्योंकि रेप पे स्टॉप होना चाहिए, अब नहीं सहेंगे, और इसी काट के लिए महिला विकास सत्ता में आना चाहती है क्योंकि हमें पता है ये मिसयूज ज़्यादा होता है। पता चला जिससे दुश्मनी उसको रेप में फंसाओ और टांग दो, तो हम पूरे पुख्ता जब तक ना हो तब तक उसे ना मिले, इसीलिए हम कानून में केवल नहीं बदलाव चाहते हैं, हम सत्ता में भी अब आना चाहते हैं क्योंकि हद हो गया। मतलब आपको बयान नहीं कर सकते इन 10 सालों में कितने केसेस को देखे हैं कि जो जूते रगड़ रहे हैं, न कोई मतलब इंसाफ की तो जगह ही नहीं है। गलत आदमी जो है ना उसको फंसा के उसको जेल में भी डाल दो और जो सही में गलती किया है वो आराम से जॉब कर रहा है। इसलिए मैं एक सबूत के साथ हम लोग संगीला के फादर को लेके आई हूँ, ऐसे कई केसेस हैं जो केस नहीं पहुँचता है ना। तो आपने एक सवाल ये भी किया था कि आप कैसे प्रताड़ना को ख़त्म करेंगे, तो ऑलरेडी हम 10 साल से कई केसेस किया है हम लोगों ने जो कहीं नज़र में भी नहीं आता है और वो प्रताड़ना ख़त्म और लोग बहुत हंसी खुशी जीते हैं। तो हम ये शब्द मिटाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं, हम सारे महिला विकास मंच की महिलाएं एवं पुरुष, हमारे में पुरुष भाई भी हमारे संगी साथी हैं जो इन कामों को लगातार कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो। मैम, एक्चुअली यहाँ पे महिला, आप लोग ये जो विकास मंच है, एज अ फेमिनिस्ट हो, और फेमिनिस्ट होने का मतलब यही निकाल लिया जाता है एज अ कॉमन कि जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, तो आपका क्या, आपका फेमिनिस्ट होने का डेफिनेशन क्या? देखिए, हम भी फेमिनिस्ट थे, हम सारे लोग फेमिनिस्ट ही थे, डेट्स वाई हम लोगों ने महिला विकास मंच, जो ये पहले से भी हम लोग काम इस पर कर रहे थे। जब हम लोग, ये एक संजोग है, मैं और वीना जी हम लोग एक केस में गए थे, अचानक उसमें ऐसा कुछ हुआ, हमने देखा यहाँ महिला नहीं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और पुरुष प्रताड़ित हैं। उसे ये रात की बात है, 12:30 बजे रात में हम लोग एक केस में गए हुए थे, वहीं इन्होंने बोला अरु ऐसा अब नहीं होगा, टैगलाइन चेंज कीजिए, महिला एवं पुरुष के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ होगा और हम इस पुरुष के साथ हैं। केस लेके आई थी महिला, शिकायत लेके आई थी महिला, लेकिन जहां पुरुष इस तरह से प्रताड़ित हैं तो हमने सीधे पर, ऐसा कुछ नहीं है कि महिला लेके आई है तो हम तो फेमिनिस्ट होने के नाते पूरी तरह, मैं बताऊँ वहां भी हमारा दो ये हो जाता व्यवहार कि हम बोलते थे कि नहीं महिला को आप कैसे ऐसा कर देंगी, लेकिन जहां पूरी तरह आप देख रहे हैं कि यहां कानून का दुरुपयोग हो रहा है वहां हम कैसे गलत कर सकते हैं, तो पहले तो सच्चाई बाद में फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप कानून के नॉलेज अगर आपको है तो आप दुरुपयोग शुरू कर दिए, तो बस हमने इसलिए टैगलाइन को चेंज किया और महिला और पुरुष के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक,
ज़रूर करें।